हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक टू वेक। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नरेगा के बारे में। फ्रेंड्स, नरेगा से रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि यदि मनरेगा में किसी श्रमिक, मान लीजिए किसी श्रमिक का नरेगा जॉब कार्ड है और वो श्रमिक फ्रेंड्स सयाने हो गए हैं और उनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है, तो इसके बाद आपको क्या करना होता है फ्रेंड्स कि उसके डिमांड ना लगे या धोखा से उनकी पेमेंट ना हो, ऐसी असुविधा से बचने के लिए फ्रेंड्स आपको उन श्रमिक का नाम, जिन श्रमिक की डेथ हो गई है उनका नाम नरेगा पोर्टल से आपको हटाना होता है। तो नरेगा पोर्टल से नाम हटाने के बाद फ्रेंड्स वो फाइनली नरेगा से हट जाता है नाम, चूँकि आप उसकी दो बार, ताकि डिमांड ना लगा सके, धोखे से भी, गलती से भी कई बार पेमेंट हो जाती है फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी असुविधा से बचने के लिए फ्रेंड्स डेथ होने के बाद, उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी होने के बाद आप उनका जो है वो नाम नरेगा पोर्टल से हटा दीजिए मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करके, ताकि ऐसी असुविधा आपको दोबारा ना हो। तो इसके लिए आपको सिंपली देखते हैं फ्रेंड्स आप यहां पर, तो इसके लिए आपको सिंपली कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना। ब्राउज़र में आप सिंपली नरेगा टाइप करके सर्च कर देंगे। नरेगा टाइप करके जब आप सर्च करेंगे, कोई भी हमें, चूँकि ग्राम पंचायत लेवल डेटा एंट्री पोर्टल को लॉगिन करना है फ्रेंड्स, कुछ लोगों को लॉगिन करने के बारे में मालूम नहीं होता फ्रेंड्स, कुछ लोग बार बार कमेंट करते हैं, इसलिए फ्रेंड्स मैं इस विषय पर भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे पंचायत वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसके बाद आपको यहाँ पर पंचायत वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखेंगे, तो ग्राम पंचायत वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। ग्राम पंचायत वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे डेटा एंट्री वाला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पर इस डेटा एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। डेटा एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो किया जाएगा, उसमें आप अपनी ज़िले की जानकारी, ज़िले का नाम, जनपद का नाम, ब्लॉक का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को फिल करेंगे। इसके बाद आप फाइनली लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पूरा ओपन हो किया जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं ये ग्राम पंचायत लेवल डेटा एंट्री वाला पोर्टल है। तो चूंकि हमें यहां पर श्रमिक का नाम डिलीट करना है डेथ सर्टिफिकेट को अपलोड करके, तो आप यहां पर देखेंगे ये रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आपको सिंपली एक दिखाई देगा, तो आपको इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल करना है और एक ऑप्शन आपको दिखेगा, अपलोड डेथ सर्टिफिकेट फॉर एक्सपायर्ड वर्कर। अपलोड डेथ सर्टिफिकेट फॉर एक्सपायर्ड वर्कर, यानी कि जो वर्कर की मृत्यु हो चुकी है उनका डेथ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो आप सिंपली इस अपलोड डेथ सर्टिफिकेट फॉर एक्सपायर्ड वर्कर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद कई बार फ्रेंड्स ऐसा एरर आ जाता है, तो कंटिन्यू टू साइट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक नया ऑप्शन आपके सामने ओपन हो के जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जो पीडीएफ, जो सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे वो सर्टिफिकेट फ्रेंड्स पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। यदि सर्टिफिकेट पीडीएफ में नहीं है तो आप उसे पीडीएफ में बना लेंगे फ्रेंड्स। और एक छोटी सी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि 100 KB से कम वो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, यानी कि उस सर्टिफिकेट का जो साइज़ है वो 100 KB से कम होना चाहिए, तभी पोर्टल में वो अपलोड। इसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो के जाएगा। आप यहां से विलेज जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। विलेज सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके जिस जॉब कार्डधारी की डेथ हुई है फ्रेंड्स, जिस भी श्रमिक, जो श्रमिक की डेथ हुई है उनका जो भी जॉब कार्ड है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ से जॉब कार्ड क्रमांक यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर नाम जो है वो नहीं आता है फ्रेंड्स, आपको पहले से ही नाम के अनुसार जॉब कार्ड को पहले से ही लिख लेना है। उसके बाद आप यहां पर ओपन करेंगे, तो इसके बाद आप देखेंगे जिन श्रमिक का हम डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करने जा रहे हैं, उस श्रमिक, उस जॉब कार्ड धारी का जो मुखिया है फ्रेंड्स, वो मुखिया का नाम आपको यहां दिखेगा, हाउस नंबर दिखेगा और रजिस्ट्रेशन की डेट आपको दिखेगी कि किस डेट को जॉब कार्ड का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे नेम ऑफ एप्लीकेंट, आवेदक का नाम, यहाँ से जेंडर दिखेगा और इज लीगल हेयर पर्सन में आपको यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद या इस पर आप यस करेंगे। उसके बाद अपलोड डेथ सर्टिफिकेट इन पीडीएफ, यहाँ आप देख सकते हैं अपलोड डेथ सर्टिफिकेट इन पीडीएफ फॉर्मेट मैक्सिमम अप टू 100 KB, यानी कि 100 KB तक का आपका पीडीएफ होना चाहिए, सर्टिफिकेट पीडीएफ में ही होना चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड नंबर के श्रमिक है फ्रेंड्स, इनका हमें अपलोड करना है। तो इसके बाद आप यहां पर इनके ही सामने यहां पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां से चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जहां भी आपकी फ़ाइल में सर्टिफिकेट रखा है उसको आप
अपलोड करेंगे। तो चलिए हम सर्टिफिकेट अपलोड कर लेते हैं अपनी गैलरी से। डेथ सर्टिफिकेट आप यहां पर अपलोड कर देंगे फ्रेंड्स। अपलोड करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हमने फाइल का नाम देके अपलोड कर दिया है। इसके बाद अपलोड करने के बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहां पर सेव फोटोज़ वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपको इस सेव फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हमने सेव फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे सामने ओपन होके आता है। तो सेव फोटो वाले ऑप्शन पे फाइनली हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स आपके सामने एक मैसेज यहाँ पर आ जाएगा, डेथ सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर 2 हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी जॉब कार्ड नंबर है वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, वरना फिर यहाँ से होम वाले ऑप्शन पर आप चले जाएंगे होम पे। तो चलिए हम होम वाले ऑप्शन पर कर देते हैं क्लिक। अब होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम चलिए फ्रेंड्स डिमांड लगा के देखते हैं श्रमिक की कि नाम वहां से हटा या नहीं, फिर या फिर हमें डिलीट यहां से करना होगा। तो अब हम यहां पर इस डिमांड सेक्शन पे जाते हैं। डिमांड सेक्शन पे हमने क्लिक कर लिया है, डिमांड फॉर वर्क एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लिया है। विलेज हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा था फ्रेंड्स, हमने इस पर सेलेक्ट कर लिया है। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर पर सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे इस जॉब कार्ड में जितने भी सदस्य ऐड हैं फ्रेंड्स, वे सारे सदस्य आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जिस सदस्य का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो सदस्य अभी यहाँ पर शो हो रहा है। यानी कि फिर से होम वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अब हमें उस श्रमिक का नाम जो है वो डिलीट करना है फ्रेंड्स, फाइनली जॉब कार्ड नंबर से, यानी कि जॉब कार्ड से उस श्रमिक का नाम अब हमें डिलीट करना है। तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन, यहाँ उसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा, डिलीट एप्लीकेंट चेंज ऑफ हेड हाउस होल्ड इन केस ऑफ डेथ। यानी कि जिस यदि श्रमिक की डेथ हुई है फ्रेंड्स, जिस भी श्रमिक की, वो श्रमिक यदि जॉब कार्ड धारी का मुखिया था फ्रेंड्स, वो उस जॉब कार्ड का मुखिया था, तो उसको नाम को हटाने के साथ साथ आप यहां पर नाम को हटाने के साथ साथ फ्रेंड्स आप उसको जो है वो यहाँ पर हमारा ये जॉब कार्ड नंबर था, दूसरे सदस्य को भी आप उस जॉब कार्ड का मुखिया बना सकते हैं नाम हटाने के साथ साथ। तो फिलहाल अब हम यहां से नाम तो हटा देते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो मुखिया है उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। तो देख सकते हैं हमें फ्रेंड्स इनका, हमने अभी डेथ सर्टिफिकेट अपलोड किया था, सेकंड नंबर में मानवती नाम आपको दिख रहा है उनका। तो आप यहां पर उसके बाद देखेंगे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट रीज़न ऑफ डिलीटेशन, यानी कि आप किस कारण से डिलीट करना चाहते हैं सदस्य का नाम। तो आप यहां पर देखेंगे पर्सन एक्सपायर्ड वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप किस डेट को डिलीट कर रहे हैं, यानी कि आपको आज की डेट जो है वो डाल देना है, जिस भी डेट को आप डिलीट इस पर्सन को जॉब कार्ड से करना चाहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यदि इस जॉब कार्ड धारी का आपको यहां से जो मुखिया है उसको चेंज करना है, तो आप यहां पर इस वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। उसके बाद यहां से जो नाम है फ्रेंड्स वे यहाँ से ओपन होने लगेंगे। यहाँ पर जो नाम दिख रहे हैं इनको आप चेंज कर सकते हैं, मुखिया आप किसी और को भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देखेंगे इनमें से किसी को भी आप मुखिया बना सकते हैं, किसी का भी नाम आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। किसी का से मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि मान लीजिए ये सदस्य फ्रेंड्स, तो इनको भी आप मुखिया बना सकते हैं, या फिर जो हैं अभी उनको ही रहने दे सकते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम कोई भी एक सदस्य का नाम हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, या फिर इसे आप रहने भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम यहां से एक सदस्य का नाम टाइप कर देते हैं। यहां से हम नाम टाइप कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमने यहां से नाम को जो है वो टाइप कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर आपको अब यहां से डिलीट वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। तो चलिए हमने डिलीट वाले ऑप्शन पे कर दिया है क्लिक। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं प्लीज वेट वाला ऑप्शन आपके सामने आता है। जैसे ही सदस्य डिलीट होगा उसके बाद वो सदस्य डिलीट भी हो जाएगा और उस फैमिली का जो न्यू मुखिया है फ्रेंड्स उनका नाम भी यहाँ पर शो होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर द रजिस्ट्रेशन नंबर 10 रघुनंदन हेड ऑफ दिस हेड हो गया है फ्रेंड्स इस फैमिली का, वो उसके नाम से जॉब कार्ड हो गया है। और जिस पर्सन को हमें एक्सपायर करना था उनका नाम आपको यहाँ पर उनका जो अब उनको हमें डिलीट करना है फाइनली, तो उनका नाम आपको यहां से इस नाम के सामने टिक कर देना है। उसके बाद फिर से आप डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने यहां पर प्लीज वेट वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर कि द एप्लीकेंट द रजिस्ट्रेशन नंबर
इतना इतना देख सकते हैं, हैज़ बिन मार्क्ड एज डिलीटेड विथ है, एफ आर स्टेट को जो है वो डिलीट किया जा चुका है और उनका नया इस जॉब कार्ड का हेड जो है वो ये हो चुके हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ये जॉब कार्ड नंबर हमारा 10 है। अब इसमें मैं डिमांड वाले सेक्शन में आपको जाके दिखाता हूँ कि ये नाम डिलीट हुआ या नहीं और जो जॉब कार्ड का मुखिया है वो भी चेंज हुआ या नहीं। तो इसके लिए हम वर्क डिमांड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डिमांड एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, विलेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स जो हमने अभी जॉब कार्ड में यहाँ पर जो डेथ पर्सन है उनका नाम आ रहा था लेकिन अब हमने जो नाम चेंज किए हैं वो यहाँ पर आने लगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसके मैं जितने भी सदस्य देख सकते हैं फ्रेंड, जो सदस्य हमने डिलीट किया है वो फाइनली डिलीट हो चुका है। इसमें जिस सदस्य का नाम ऐड था वो बस यहाँ पर शो होगा। आप चाहे तो आप इसमें और नए सदस्य ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स किसी भी जो है वो श्रमिक की डेथ हो जाने के बाद जो है वो उनका डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करके विधिवत रूप से आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।